नमस्कार आदाब सत श्रीकाल मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया और कहानी कामयाबी की में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है तो कहानी कामयाबी की में हम हमेशा आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जिसने अपने जीवन में यानी जितनी भी आम जनता है उनमें से खास बनकर कुछ किया है कुछ कामयाबी की सीढ़ियाँ वो चढ़ा है और सभी में अपना नाम रोशन किया है तो आज हम इस कार्यक्रम में एक और ऐसी ही शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जिससे मिलकर आपको भी एहसास होगा कि कामयाबी पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है तो आइए आपको मिलवाते हैं शख्सियत से तो कहानी कामयाबी की आज ये जो प्रोग्राम जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए प्रोग्राम बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे वो बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण है स्पेशली बेटियों के लिए तो आइए सबसे पहले आप ये इनाम देखिए ये जितने भी इनाम इस वक्त आप देख रहे हैं ये उसी शख्सियत के कमाए हुए हैं उसी की मेहनत के हैं और इतने सारे इनाम बहुत ही कम एज में बहुत ही कम समय में उसने कमाए हैं बिल्कुल मैं इसे कमाए ही कहूँगी क्योंकि ये मेहनत से कमाए हुए इनाम हैं और आज उसी अधिकियत से आपको रूबरू कराएंगे उसी बेटी से आपको रूबरू कराएंगे जिससे मिलने के बाद आपको लगेगा हाँ कामयाबी पाना आसान है तो आइए आपको मिलवाते हैं तो आज किस कार्यक्रम में हम आपसे जुड़ी हैं शगुन तनेज शगुन पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है खबरें अभी तक में थैंक यू सो मच शगुन आ, ये जो कार्यक्रम है मुझे लगता है आज का कार्यक्रम बेटियों के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि जिस तरीके से जितने इनाम आपने कमाए हैं मुझे लगता है जितनी भी बेटियां इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रही होंगी उनके लिए एक एग्जाम्पल एक, एक, एक उदाहरण के तौर पर होगा तो योग में जो है शगुन बहुत ज़्यादा रुचि रखती हैं शगुन को लगता है कि योग करना सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो शगुन आपकी कामयाबी का राज जानेंगे लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे कि योग करना इतना ज़रूरी आपको क्यों लगता है पहले तो मैंने योग एक हॉबी की तरह ही शुरू किया था लेकिन धीरे धीरे चलते गए चलते गए तो फिर मुझे बहुत सारे फ़ायदे भी दिखाई है मेरी स्टडीज़ इम्प्रूव होने लगी कंसंट्रेशन लेवल मैं अब इतना बीमार भी नहीं पड़ती तो इससे फिज़िकली नहीं साथ में मेंटली भी बहुत रिलैक्स स्टेट और एक बहुत कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी डेवलप हो गया था तो मैं एडवाइस करती हूँ कि सबको ही करना चाहिए चाहे आप आधा घंटा ही क्यों ना करें दिन में बट करिए बिल्कुल आधा घंटा क्यों ना आप योग करिए पर करिए ज़रूर क्योंकि योग एक साधना है कहते हैं कि योग करने से रोग नहीं आपको छूते और आप स्वस्थ रहते हैं हेल्दी रहते हैं और आपका मन भी कहीं ना कहीं शांत रहता है तो कब से आपने योग करना शुरू किया शगो तो मैंने योग एट से शुरू किया था जो कि मेरी थी दो जब मैं चौदह साल की थी तब से तो चौदह साल की उम्र में आपने योगा करना शुरू किया तो शगुन खुद से आपका मन किया कि मैं योग करना शुरू करूं या कहीं से आइडिया आया या किसी को देखकर आपको मोटिवेशन मिला कि मुझे भी योग करना चाहिए ये बहुत फनी स्टोरी है वैसे तो हाँ। <laughs> पहले तो एट्थ में हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स के ट्रायल्स होते हैं तो मैंने योगा के लिए ट्राई किया था तो मैं टीम में घुस गई थी उसके बाद धीरे धीरे चलते गए और कॉम्पिटिशन्स होते रहे तो बीच में मैं कॉम्पटिशन्स करने का बिल्कुल मन नहीं करता था <laughs> तो मैं इतना रोती थी कॉम्पटिशन्स के लिए लेकिन फिर <laughs> मेरे पेरेंट्स उन्होंने मुझे इतना पुश किया इतना इनक्रेज किया मुझे इतने हर कॉम्पिटिशन में वो लेके जाते थे तो बेसिक पेरेंट्स को आपने बताया कि मुझे योगा करना पसंद है और मैं योगा करना चाहती हूँ तो उन्होंने सपोर्ट किया आपको हाँ बेसिकली उनकी वजह से ही उन्होंने ही मुझे इतना पुश किया जिसकी वजह से मैं, मैं खुद इन्जॉय करने लग गई इसको शगुन ने जिस तरीके से बताया कि उसका काफ़ी इंटरेस्ट था फिर बीच बीच में उसने छोड़ने की भी कोशिश की लेकिन फैमिली ने सपोर्ट किया तो शगुन हमारे जितने भी दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें बताइए कि आपने योग आई थिंक एट्थ स्टैंडर्ड से शुरू किया अभी शगुन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में है तो अभी तक कितने इनाम आपने योग में जीते बल गिनती तो नहीं कर सकते लेकिन मैं एट्थ से हर साल एक नेशनल का पोजिशन लाई हूँ देन इंटरनेशनल um, में भी रिप्रजेंट किया है और इसमें सिक्स रैंक लाई हूँ देन हर साल डिस्ट्रिक्स स्टेट्स वो तो होते ही रहते हैं साथ में जिस तरीके से आप योग करती हैं काफ़ी सारी उपलब्धियाँ हैं आपकी योग में तो स्टडीज़ को मैनेज करना मुश्किल हो पाता है थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है बट वही बात है कि योगा करते करते जब आप उसमें जाते हो तो फिर वो आपका इस्केड्यूल का एक हिस्सा बन जाता है हाँ। और उसकी वजह से मेरे को स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रही थी मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया था मेरे कंसंट्रेशन लेवल अच्छा हो गया था तो एक एक तरह से वो मेरी स्टडीज़ को हेल्प ही कर रहा था चाहे थोड़ा टाइम देना पड़ा लेकिन हेल्प भी कर रहा था स्टडीज़ को तो ने ने फिर आपकी एज की अगर लड़कियों की मैं बात करूँ तो ज़्यादातर उन्हें पसंद होता है सिंगिंग डांसिंग और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना थिएटर्स आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है बच्चों को तो आपने योग को ही क्यों चुना आ, मैंने योग इसलिए चुना क्योंकि एक तो मैं स्टार्टिंग से बहुत फ्लेक्सिबल रही हूँ okay. और उसके ऊपर से मेरे को इसमें थोड़ा सा पोटेंशल दिखाई दिया अपने अंदर और क्योंकि अब सब लोग जानते हैं कि योगा एक इंडिया का स्पोर्ट है हमारा ट्रेडिशनल है हमारी कल्चरल रूट्स जुड़ी हुई हैं इससे हाँ। तो इतने लोग इसमें घुसते नहीं हैं तो मुझे मैंने हाँ। जितना मैंने देखा है कि लोग आ, विदेश से भी बाहर से भी आते हैं, हैं।, हैं। स्पेशली योग करने ऋषिकेश में लोग जाना ज़्यादातर जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर योग को बढ़ावा दिया जाता है खुद देश के प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि योग करना चाहिए वो खुद इतना बिजी रहने के बावजूद योग करते हैं तो आपने उसी कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए इसे चुना हाँ एक तरह से हाँ और उसके ऊपर से आ, डांसिंग सिंगिंग ये सब मुझे भी पसंद है लेकिन उनके इतने उनके इतने उनके इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है ज़िंदगी पे और उनके इतने ज़्यादा जैसे योगा का इफेक्ट हमारे जिंदगी पे इतना अच्छा इफेक्ट पड़ता है और मुझे कुछ नया ट्राई करना था बेसिकली तो आपके जीवन में मायने योग के ज़्यादा आपको लगे कि योग करने से शायद मुझे कही कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है और मुझे आगे जाकर इससे कोई ना कोई और बड़ी उपलब्धि मिल सकती है हाँ बिकॉज़ आजकल अब क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री खुद उन्होंने योगा का इंटरनेशनल योगा डे शुरू कर दिया हाँ। वो इतना ज़्यादा इंक्रेज हैं योगा के लिए, इतना प्रमोट हैं कि बाहर के कंट्रीज में भी जब भी मैं गई हूँ तो फिर मुझे मिला है कि हमारे क्या कहते हैं हमारे योगा इंडिया का जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट है हाँ। उसको इतना ज़्यादा वो मानते हैं वो खुद उसमें डाल होता है और बहुत वैल्यू बढ़ गई है मुझे शगुन कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस तरीके से आपकी उम्र के बच्चे अगर योग को इतना महत्व दे रहे हैं तो देश में इसकी महत्वता अपने आप बढ़ जाएगी क्योंकि सीख देने के लिए किसी न किसी का होना बहुत ज़रूरी है और अगर आप आपके जैसे बच्चे सीख देंगे तो हर किसी को उस सीख को ज़रूर ग्रहण करना चाहिए शगुन आप ट्वेल्थ में पढ़ती हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे हाँ तो हाँ उसका एक अलग से स्ट्रेस होता है कहीं ना कहीं हाँ तो क्या उसके साथ फिर भी आप कंटिन्यू करेंगी योगा को हाँ मैं अभी भी एक एक घंटा तो करती हूँ बिकॉज़ आप पूरे दिन पढ़ तो सकते नहीं हो तो आपको स्ट्रेस रिलीफ के लिए भी योगा इज़ अ वेरी गुड तरीका जिससे आप अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकते हो हाँ? और साथ में आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ता रहता, रहता है तो वो एक साथ में करना मेरे लिए अच्छा ही है साथ में घर पे और भी लोग योगा करना पसंद करते हैं आपको देखकर? हाँ मेरी बहन भी उसने भी योगा शुरू किया ही हुआ है हाँ जी मेरे भाई भी मेरे डैड मेरी मॉम सबको हम सब बहुत मानते हैं तो तो स्पोर्ट तो 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 को घर में इसकी पहल की है तो जितने भी घर वाले हैं वो तो आपके साथ इस रास्ते पर है हाँ जी वो तो साथ में मतलब वो आगे चल रहे पीछे से कुछ भी वही करते हैं तो जिस देश में हम रहते हैं जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं एक मानसिकता होती है शगुन की बेटियों को पढ़ाना भी पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा जाता था लेकिन जिस तरीके से अब देश के प्रधानमंत्री हमारे खुद बेटियों को बढ़ावा दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ करके तो अब जिस तरीके से बच्चियाँ पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं तो क्या आपको लगता है कि आप उन लड़कियों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकती हैं कि हाँ जिस तरीके से आपने बताया कि सिंगिंग डांसिंग एक अलग हॉबीज होती हैं लेकिन जिस तरीके से योग है उसकी महत्वता हम खोते जा रहे हैं उसे भी कहीं ना कहीं अपने साथ बांधे रखना चाहिए एक हाँ योगा बिकॉज because... इंडिया का एक ट्रेडिशनल इंडिया से ही जन्मा ही है तो फिर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसकी इम्पोर्टेंस जा रही है तो उसको कंटिन्यू करना अब हमारी रूट्स को पकड़ना तो ज़रूरी है तो जैसे कि आप जानते हैं एक पेड़ भी तभी स्ट्रॉन्ग रहता है जब वो अपनी रूट से भी कनेक्टेड हो और जब वो लंबा ऊंचा स्काइ में भी जाए तो वही हमें भी करना चाहिए हमें भी टेक्नोलॉजी के साथ बदलना चाहिए अडेप्ट करना चाहिए लेकिन साथ ही साथ अपनी रूट्स को भी पकड़ के रखना चाहिए बहुत ही अच्छी बहुत ही उम्दी बात है। शगुन ने कही आ, कहते हैं कि हमेशा बड़ों से ही कुछ सीखने को नहीं मिलता बच्चों से भी सीखने को मिलता है और शगुन से मिलकर मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है लेकिन शगुन आपको योग से क्या कुछ मिला पहले तो मेरे को योग से मेरी टेंथ में टेंथ सी जी आई मैं जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरे अकेडमिक्स बहुत इम्प्रूव हुए थे मुझे अपने मुझे एक नए साइड से अपना मिलने का मौका मिला एक बहुत थोड़ा कॉन्फिडेंस साइड जो पहले नहीं था फिर साथ में इसी योगा की वजह से हम इंटरनेशनल योगा डे पे गए और फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से उनके साथ योगा किया हम सब ने हाँ। फिर इसकी वजह से मेरे स्कूल में वी हैव दिस काउंसिल तो हमारे स्कूल में काउंसिल होती है तो उसमें मेरे को दो साल पोस्ट मिली रही तो इनआल मुझे बहुत कुछ दिया है इस स्पोर्ट ने हाँ और वापस मुझसे मांगा सिर्फ थोड़ा सा वक्त हाँ। और थोड़ी सी मेहनत बहुत अच्छा आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है बहुत आजकल हमसे आगे चल रहे हैं और युवाओं को भी कहीं ना कहीं इससे एक एक अच्छा एग्जाम्पल मिल रहा है क्योंकि योग करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा समय चाहिए थोड़ा सा वक्त थोड़ा सा मेहनत और थोड़ी सी पेशेंस भी चाहिए अगर आप ये सब योग को देंगे तो योग आपको बहुत कुछ देगा शगुन फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे फैमिली में कौन कौन है और किससे आपको कितना सपोर्ट मिलता है आ, मेरी फैमिली में मेरे पापा हैं मेरी मम्मा है और मेरे एक भाई है एक बहन है दोनों छोटे हैं तो मुझे सबसे ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ने ही दिया है क्योंकि hmm. उनकी वजह से ही मैं इस फील्ड में आई हूँ उन्होंने ही पुश किया है जहाँ पर मैं थोड़ी ढीली पड़ जाती थी वहाँ पर उनको पता है कब धक्का देना है कब नहीं देना है कब छोड़ देना है hmm. तो फिर साथ में मेरा मेरा पहले क्या होता था तो मैं इतना स्ट्रेस लेती हूँ हर चीज़ में इतना पैनिक करती रहती हूँ hmm. तो उसको काम रहना कलेक्टेड रहना वो थोड़ा मेरे भाई बहन से ही आया है क्योंकि वो जब मैं स्ट्रेस लेने जाती हूँ मुझे हंसाने लग जा तो फिर वही स्ट्रेस हाँ। तो निकल ही जाता है हाँ। तो इन ऑल मेरी फैमिली ही है जो मेरे पीछे तो खड़ी खर्ण है जिसकी वजह से मैं आ गई हूँ ठीक है ये शगुन कुछ सर्टिफिकेट्स आपने आपके पास हैं तो हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताइए इन सर्टिफिकेट्स के बारे में um, ये बस कुछ सर्टिफिकेट्स है जैसे हर कंपटीशन में मिलता है ये पहला मेरा इंटरनेशनल कंपटीशन का ये वाला नेशनल कंपटीशन का फिर ये स्टेट तो देनी तो तो स्तर पर आपने कंपटीशन आपने किया है और ख़ुद को एक कंपटीशन मानती हैं खुद के लिए या फिर औरों से आपका कंपटीशन है मेरा पहले तो औरों से है कंपटीशन, फिर उसके बाद जब मैं वहाँ एक लेवल तक पहुँच जाऊँ तो मेरा मेन मोटिव है कि मैं खुद को हराऊँ और ख़ुद से ऊपर आऊँ और अपनी कमियों को हरा के ऊपर आऊँ तो, तो शगुन जिस तरीके से आपका जो इंटरेस्ट है योग में है और जितनी बात मैंने आपसे अभी तक की है मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है योग के लिए तो जो भाई बहन है क्या वो भी इसी चीज़ को पैशन इसी चीज़ में रखते हैं उन्हें भी यही करना पसंद है या उनकी रुचि किसी और चीज़ में है आ, मेरी बहन भी योग में है हम सब साथ में इसको एक Uh, ज़िंदगी का एक हिस्सा बना के तो चलते ही हैं हाँ। बट मेरी बहन थिएटर बहुत अच्छा कर दिया है मेरा भाई क्रिकेट बहुत खेलता है सो so, लेकिन साथ में हम सबको पता है कि इम्पोर्टेंस क्या है एक स्पोर्ट की योगा की हमारी ज़िंदगी में तो साथ में लेके चलने में कोई बुराई नहीं है तो जितने इनाम आपके पास हैं जितनी उपलब्धियाँ आपको अभी तक मिली है बहुत ही कम आ, समय हुआ है आपको अभी तो क्या उतनी उपलब्धियां आपके भाई बहन के पास भी हैं उतने ही टैलेंटेड हैं वो लोग भी मेरे हिसाब से तो हाँ मतलब मेरे हिसाब से हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता ही है बस जो मेन चैलेंज है एक जिंदगी में एक इंसान का वो है उस टैलेंट को पता करना और उसमें आगे जाना तो हर किसी में टैलेंट तो है ही मेरे भाई बहन में भी है में भी है आप में भी है सब में है तो उसको बस पहचानना है और उसको आगे लेके जाना है बिल्कुल। टैलेंट हर किसी में होता है लेकिन ज़रूरत है तो उस छिपे हुए टैलेंट को पहचानने की कि आप क्या कर सकते हैं किस तरीके से दुनिया को बदल सकते हैं खुद के विचारों को बदल सकते हैं समाज के विचारों को बदल सकते हैं शगुन अब इन फ्यूचर क्या सोचा है क्या कुछ करना है खास मैं अभी तो साइकोलॉजी करना चाहूँगी बट मैं साथ में योगा को भी साथ में लेके चल ही रही हूँ क्योंकि अभी इसको छोड़ना तो मेरे लिए नामुमकिन है क्या, क्या जीवन बतला? का एक हिस्सा जो है योग बन गया तो फिर क्या पता साथ में कुछ मिल जाए कुछ करने को लेकिन इसको छोड़ना इज़ बिग नो फॉर मी तो शगुन तनेजा हमारे साथ आज बनी हुई है इस खास कार्यक्रम में और शगुन के बारे में अभी तक आपने जाना कि क्या कुछ उनकी अचीवमेंट्स रही किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँची है तो शगुन अब पूरी फैमिली से आपकी मिलना चाहेंगे दर्शकों को बताइए आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है ये मेरी दादी हैं मेरी एक सक्सेस का बहुत बड़ा हाथ इनको भी जाता है hmm. हर एग्ज़ाम हर से पहले इनका आशीर्वाद ही मेरे को आगे लेके जा रहा है hmm. ये मेरा छोटा भाई रौनित ये मेरी छोटी बहन पलक वो मेरी मम्मा और वो मेरे पापा तो ये सब आपके परिवार में है तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक में तो दादी जी सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से शगुन ने बताया कि जितनी भी मेहनत वो करती है आपसे ही उसको मोटिवेशन मिलता है तो इतनी होनहार आपकी पोती है क्या कहेंगे उसके लिए शगुन मेरी बहुत अच्छी बेटी है बेटी कहूँगी मैं और जब योगा में जाती है मेरा आशीर्वाद लेके जाती है और सब कुछ ठीक करके आती है फिर मेरा आशीर्वाद इसको बहुत अच्छा लगता है कहीं भी जाएगी ना तो सबसे पहले मुझे कहेगी माँ मुझे आशीर्वाद दो कहेंगे तो आपके आशीर्वाद का ही असर है कि शगुन यहाँ तक पहुँची है और इतने सारे अचीवमेंट्स शगुन ने लिए हैं शगुन की मदर हैं हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक तरीके से शगुन काफ़ी मोटिवेशनल लड़की है और काफ़ी मोटिवेशन उसे अपने परिवार से मिलता है तो मुझे लगता है कि बैकबोन अगर कहेंगे तो वो एक मदर होती है यार बेटी की तो कितनी उम्मीदें हैं इन फ्यूचर शगुन से आपको मैं तो बस यही चाहती हूँ कि अपने पैरों पे ये स्टैंड हो और खूब नाम कमाए हमारी तरफ से तो यही इसको बेस्ट विशेज़ हैं और मतलब ये मेरी बेटी है तो मुझे उसके लिए बहुत प्राउड है हाँ। तो जिस तरीके से बड़ी बेटी है शगुन आपकी तो बड़ी बेटी से उम्मीदें भी ज्यादा होती हैं और काफी होनहार है शगुन क्या उतनी शरारती भी है थी थी। <laughs> सच बोलूँ तो सबसे ज्यादा मुझे यही परेशान करती है छोटे कम करते हैं और ये ज्यादा करती है सबसे बड़े होने के बावजूद भी बचपन आया अभी भी ठीक है तो अगर जिस तरीके से योग के बारे में हमने शगुन से जाना कि वो योग करती है लेकिन परिवार का सपोर्ट उसे मिलता है एक एक टाइम ऐसा आया था एक सिचुएशन ऐसी आई थी जब उसने सोचा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा तो फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया तो उस सिचुएशन से आप शगुन को निकालती हैं बाहर तो क्या लगता है कि जब भी वो अपनी चीज़ों पे कंट्रोल कर नहीं पाती या फिर कहे कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव उसको वाइब्स आने लगते हैं तो किस तरीके से संभालती है आप उसे एक्चुअली क्या होता है कि जब आप योग करते हो तो कई बार बॉडी जिस हिसाब से ये करती है उस हिसाब से क्या होता है कि बॉडी में बहुत पेन होता है hmm. कई बार इसके मसल पुल हो जाता है hmm. तो वो टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो hmm. उसमें इसको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ता है और इसको थोड़ा सा इसका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप करना पड़ता है hmm. कि भाई करेगी कुछ पाना है तो कुछ hmm. खोना भी पड़ेगा मेहनत तो करनी पड़ेगी उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता अगर ऊपर जाना है तो सब लेवल पार करने पड़ेंगे तो एक जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत का ही नतीजा हम कहेंगे कि शगुन अगर यहाँ तक पहुँची है शगुन के फादर जी हमारे साथ हैं तो भारत जो देश है उसमें बेटियों का एक अलग ही अहदा है कहीं पर तो बेटियों को बहुत सम्मान दिया जाता है लेकिन कहीं आजकल ऐसी जगह हैं आज भी हैं जहां पर शायद बेटियों को अभी भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं मिलती पढ़ने लिखने की उन्हें छूट नहीं दी जाती और अपने मन की तो वो कभी कर ही नहीं पाती लेकिन आप एक ऐसी बेटी के पिता हैं जिसे आपने पूरी छूट दे रखी है और वो आपको गौरवान्वित भी कहीं ना कहीं करती है तो कितना गर्व महसूस करते हैं अपनी बेटी को लेकर आ, हम लोग बेसिकली गुड़गावा से ही बिलोंग करते हैं और हरियाणा से बिलोंग करते हैं मुझे अपनी बेटी के साथ साथ पूरे हरियाणा की बेटियों पे गर्व है उन्होंने तो पूरे वर्ल्ड में जा के नाम किया है इवन हरियाणा की बेटियों के ऊपर तो पिछड़े भी बनती हैं और उसके अंदर भी दर्शाया जाता है कि लोग कितना उनको आ, मतलब सहन करना पड़ता है उस अवार्ड्स को अचीव करने के लिए तो और मुझे भी आ, गर्व है आ, शगुन का फादर होने में क्योंकि आ, हम लोग तो इसको गाइड कर सकते हैं लेकिन अचीवमेंट लाना मेडल्स लाना और इतने टफ़ कम्पिटिशन्स के अंदर आजकल के बच्चों में बहुत टैलेंट है और वो इतने फ्लेक्सिबल हैं जो लोग टैलेंटेड हैं उनके अंदर से फिर अवार्ड को लेके आना उसके लिए आपको उनसे भी और बड़ी चुनौती होती है हाँ। और इंटरनेशनल लेवल तक जाना फिर पी एम ऑफिस से इनविटेशन आना और उसके अंदर जाके पार्टिसिपेट इनको करना योगा के अंदर कि जहाँ पे पीएम भी योगा कर रहे हों हाँ। और मेरे बच्चे भी योगा कर रहे हो तो आई फील प्राउड कि मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड होता बहुत है कि बड़े बहुत बड़े बहुत गर्व की बात है जिस तरीके से हमने शुरुआत में कहा कि हरियाणा से बहुत सारी ऐसी बेटियाँ हुई हैं जिनका पूरे विश्व में नाम है न ना सिर्फ भारत में और पिक्चर्स उन पर बनती हैं तो क्या लगता है आने वाले इस समय में शगुन भी उन बेटियों में अपना नाम दर्ज करा पाएगी हाँ बिल्कुल देखो हर पेरेंट्स की एक एक्सेप्टेशंस होती है बच्चों से लेकिन हमारी भी एक्सेप्टेशंस है वो अप टू एक लिमिट है बाकी तो शगुन को डिसाइड करना है कि उसने क्या उस लेवल को अचीव करना चाहती है <laughs> और बट हमारी फुल स्पोर्ट हमारा फुल आ, स्पोर्ट उसी के साथ रहने वाला है कि जहाँ पे भी जिस भी लेवल पे वो जाना चाहेगी हम उसके साथ शगुन शगुन अगर इन फ्यूचर कुछ भी करना चाहती है किसी भी फील्ड में काम करना चाहती है तो आप लोगों की तरफ से, से छूट है कि वो जो चाहे वो कर सकती है हाँ बिल्कुल यस हमारी तरफ से पूरी छूट भी है और स्पोर्ट भी है इन ऑल रिस्पेक्ट्स चले शगुल घर वालों की तरफ से तो आपको पूरी सपोर्ट है पूरी छूट है कि आप जो चाहे कर सकती हैं और तो क्या परिवार वालों की उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगी मैं कोशिश तो करूँगी <laughs> क्योंकि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स और मेरे परिवार की और मेरे फ्रेंड्स uh, कोचेस मैं अपने कोच को भी इंक्लूड करना चाहूँगी यहाँ पर क्योंकि मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूँ मेरे साथ वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं और उनका बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि कह, कहते हैं कि भगवान से भी ऊंचा दर्जा गुरु को दिया जाता है तो मेरे साथ मेरे जितना टाइम मैं लगाती हूँ जितनी मेहनत मैं लगाती हूँ उतनी मेहनत उतना उनकी टाइम उनकी भी है आ, तो फिर ये मेरी नहीं उनकी भी मेहनत का तो नतीजा है परिवार आपके साथ है आपके कोच आपके साथ है।, है तो इस मेहनत में इन अचीवमेंट्स में कहीं ना कहीं इन सभी का नाम शामिल है हाँ जी बिल्कुल तो शगुन जितनी शरीफ आपको दिखाई दे रही है कैमरा पे उनकी मम्मी का कहना है शगुन उतनी नोटी भी है और शगुन के दो छोटे भाई बहन भी हैं और शगुन की बहन है हमारे साथ तो शगुन आपसे बड़ी हैं हाँ। और जिस तरीके से शगुन काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं योगा करना पसंद है उसे क्या आपको भी पसंद है हाँ मेरे को भी योगा करना पसंद है एंड साइड बाई साइड और चीज़ें में भी जाना जैसे और लाइक फील्ड्स में जाना भी मेरे को पसंद है तो जिस तरीके से वो मैनेज करती है चीज़ों को पढ़ाई को भी साथ साथ बैलेंस करके चलना योग को भी बैलेंस करके चलना तो, तो अपनी बहन से बड़ी बहन है क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपको कुछ सीख मिल पाती है हाँ दीदी मुझे गाइड करती हैं कई बार लेकिन उन्होंने मुझे गाइड किया है कि स्टडीज़ के साथ कैसे चलना है योगा को साइड बाय साइड रख के तो जो दीदी जब समझाती है वो चीज़ तो अलग हो गई दीदी से अलग सीख भी मिलती है क्या दीदी से लड़ाई भी होता है झगड़ा भी होता है मारपिटाई भी होती है कभी कभार झगड़ा होता है लेकिन हाँ। कभी कभार होता है लेकिन वैसे नहीं होता चलिए बहुत अच्छी बात है भाई बहनों में तो अक्सर झगड़ा होता है लेकिन बहन से बात कर लिए छोटे भाई को भला कैसे भूल सकते हैं छोटा भाई ज्यादा नोटी लग रहा है तो बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक में आपका शगुन आपकी बड़ी दीदी -दी, योग में तो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं आपको भी योग करना पसंद है क्योंकि खेलने कूदने की उम्र है और इस उम्र में योग का मतलब ही समझना बहुत बड़ी बात है हाँ मैं योग करता हूँ मेरे को क्रिकेट के अंदर भी जाना है पर रोग के साथ ही जो है वो फिट होते हैं तो योग मेरी ज़िंदगी में ज़रूरी है तो, जरूरी है। तो आ, आप ये बताइए कि आ, योग आपने बताया कि फ़िट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट लगता है तो अभी तक अगर आपने क्रिकेट खेला है तो क्या कुछ अभी तक कितने अवार्ड्स आपने जीत लिए हैं इसमें अभी तो क्रिकेट मैंने शुरू ही किया है पर मेरे डैड ने मेरे को सपोर्ट किया और साथ ही मेरे डैड ने मेरे को क्रिकेट सिखाया स्टार्ट पे और मेरे डैड ने बहुत अवार्ड जीते हैं क्रिकेट में पर अभी मैं भी शुरू कर रहा हूँ तो आपने अभी फिफ्थ क्लास में ये पढ़ते हैं लेकिन इनका एक विजन जो कहें या फिर फोकस जो कहें कि क्लियर है उन्हें पता है क्या करना है तो बड़ी बहन का भी ये कह सकते हैं सपोर्ट है उनको देखकर भी छोटे भाई बहनों में उन्हें पता है कि हमें किस फील्ड में क्या करना है लेकिन योग को सभी करते हैं पूरे परिवार में जिस तरीके से हमने देखा तो शगुन आपका पूरा परिवार आपके साथ है और हर किसी में एक स्पार्क मुझे देखने को मिला है जो कि बहुत ज़रूरी होता है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी है आपके चारों तरफ तो जितनी भी बेटियां इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रही हैं उन बेटियों को अपने जैसी बेटियों को क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगी आम, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको बस वही करना चाहिए जो आप चाहते हो चाहे सोसाइटी आपके अगेंस्ट क्यों ना हो चाहे कुछ भी हो जाए चाहे आपके पेरेंट्स फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स मेरे मोम मेरे डैड मुझे बहुत सपोर्ट करता है मेरी मोम मेरी बैकबोन है हर जगह उन्होंने मेरे को मतलब शी इज़ नॉट माई मदर शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड तो उनकी वजह से मैं हर चीज़ हर चैलेंज पार कर पा रही हूँ तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि चाहे आपके पेरेंट्स चाहे कोई आपको सपोर्ट करे ना करे आपको वही करना चाहिए जो आप चाहते हो आपके अंदर जो है जो आप करो चाहे सोसाइटी आपको सपोर्ट करे ना करे क्योंकि अभी वो बोलेंगे कि आप मत करो या फिर आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे या फिर आपको बोलेंगे कि इस चीज़ से शायद आपको फायदा हाँ हाँ लेकिन एग्जैक्टली exactly, लेकिन जब आप वहाँ पहुँच जाओगे तब आप देखोगे कि सब आपके साथ खड़े हैं तो बस मेहनत करते जाइए तो शगुन जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को सक्सेस का क्या मंत्रा देके जाएंगी जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि सक्सेस के लिए आपको बस चाहिए थोड़ा टाइम थोड़ी मेहनत अपने ऊपर भरोसा ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरा बीच बीच में बहुत हिल जाता है लेकिन मेरे पीछे मेरी मोम मुझे मेरे पेरेंट्स वो मे मेरा फैमिली सब बना के रखता है तो आप अपने ऊपर भरोसा करना कभी मत छोड़िए क्योंकि आप ही है जो कर सकते हैं फिर साथ में थोड़ा मेहनत थोड़ा टाइम थोड़ा पसीना वो तो सबको देना ही पड़ता है वो तो हर चीज़ में चाहिए ही चाहिए बस हाँ, इतना तो आ, उसका फल कहीं ना कहीं मिलेगा तो शगुन ने बहुत अच्छी बात कही है तो जिस तरीके से शगुन ने एक मूल मंत्र दिया है कि अगर कामयाब होना है तो खुद पर भरोसा रखिए थोड़ी सी मेहनत कीजिए थोड़ा सा परिश्रम कीजिए और आप कामयाब ज़रूर हो पाएंगे फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए खबरें अभी तक